नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी के बढ़ते हुए कद से जुड़ी है। जी हां, योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ गया है और डिमांड हो गई है बहुत तेजी से। योगी आदित्यनाथ की डिमांड क्यों तेजी से है पार्टी के अंदर, मैं आपको बता दूं। मामला है, ये पूरी खबर जो है एक चुनाव से है। तमाम चुनावों में आपने देखा होगा कि स्टार प्रचारक के तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, चाहे वो बात राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो, हिमाचल की हो, केरल के चुनाव की हो, हर जगह योगी स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए। उसमें पार्टी के अंदर एक चीज निकलकर सामने आई कि योगी जहां पर सभा करते हैं वहां भीड़ ज्यादा आ जाती है, यानी कि भीड़ जोड़ने में योगी आदित्यनाथ जो है वो सफल रहते हैं। पब्लिक को कैसे जोड़ना है, पब्लिक के बीच जो स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उसके तौर पर वो सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, योगी का संदेश उस इलाके में काम कर जाता है। इसमें तमाम चीजें बीजेपी के अंदर निकलकर सामने आई कि योगी जहां प्रचार करने गए वहां अधिकांश जगह बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा। अब योगी कहां जाएंगे, योगी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि हैदराबाद सोचिए, वो इलाका जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है, हैदराबाद में होना है नगर निगम के चुनाव, ग्रेटर हैदराबाद में, वहां सोचिए नगर निगम जैसे चुनाव में पीएम मोदी प्रचार करने जा रहे हैं, पार्टी के लिए कितनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। गृहमंत्री अमित शाह जा रहे हैं, लेकिन जो तीसरा बड़ा नाम है वो है योगी आदित्यनाथ का। हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाना, सभाएं करवाई जाएगी, ये बड़ा इशारा करता है और साफ करता है कि योगी की डिमांड बढ़ चुकी है। डिमांड में है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 28 नवंबर को पहुंचेंगे, 1 दिसंबर को यहां पर चुनाव होना है। हैदराबाद के गोलाकुंडा से शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ प्रचार की और 150 वार्ड जो है जहां पर चुनाव होना है नगरीय निकाय के, ये हैदराबाद में, वहां सब जगह, यानी कहते हैं कि प्रदेश से लेकर जिले से लेकर अब वार्ड तक भी अगर जरूरत है पार्टी को किसी स्टार प्रचारक के चेहरे की तो वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे की जरूरत है। हैदराबाद जैसी जगह पर जहां पार्टी को अपनी जमीन मजबूत करनी है, या यूं कहें पार्टी को अपना पूरा वजूद ही दिखाना है वहां पर इस चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, यदि वहां भी योगी के नाम पर दांव खेल रही है बीजेपी तो इस बात के मायने बड़े हो जाते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ अब उस नेताओं की श्रेणी में शुमार हो चुकी है जो टॉप थ्री की बात होती है, जहां पर ये बात सोचते हैं कि पार्टी जो है इस चेहरे के साथ आगे बढ़ती है, ऐसी स्थिति योगी आदित्यनाथ की भी नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद में जाना ये स्पष्ट करता है कि पार्टी भी समझ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जो है उनकी सभाएं स्टार प्रचारक के तौर पर जिस क्षेत्र में वो प्रचार करने जाते हैं वहां कितना असर होता है, ये चीज निकलकर सामने आई। यही वजह है कि पार्टी ने तमाम नेताओं को बोला है, लेकिन जो खुद प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी जा रहे हों, गृहमंत्री अमित शाह जा रहे हों, वहां पर योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद में जाना पार्टी का एक बड़ा दांव है, या यूं कहें कि पार्टी की एक बड़ी रणनीति है जिसके तहत पार्टी चाहती है अगर हैदराबाद में हुए इन नगरीय निकाय चुनाव में अगर बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज करा ली तो इसके बाद योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ जाएगा। इसके मायने इसलिए साफ तौर पर है कि पार्टी ये और आजमा रही है कि इन तमाम जगहों पर जहां राज्यों में चुनाव हुए वहां योगी आदित्यनाथ अपना जो है प्रदर्शन जो है अपनी सभाओं के जरिए करने में सफल रहे हैं, और यही वजह अब कही जा रही है कि बीजेपी ने हैदराबाद में होने वाले इन चुनावों के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नाम पर दांव चला है और इसके मायने सियासी तौर पर भी काफी बड़े हैं। पार्टी के अंदर से भी आप समझिए, बीजेपी में योगी के बढ़ते हुए कद के तौर पर आप देखिए, इसको ये भी समझिए आप कि पार्टी अब अधिकांश जगह योगी के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के लिए ये बड़ा प्रयोग भी है क्योंकि हैदराबाद में पार्टी को अपना वजूद बनाना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये बड़ा चुनाव है, लेकिन बड़े चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद जाना और पार्टी का वहां पर वजूद बनाना, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखते रहिए यूपी तक।